नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी आयोग की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन आई है, जिसे आपको पता है कि कल झारखंड कर्मचारी आयोग झारखंड सीजीएल का वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दिया गया था और आज इसमें कुछ संशोधन किया गया है। मैं इस वीडियो में उसी पे बात करने वाला हूँ कि क्या चीज़ पे संशोधन किया गया है। ओके, तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ झारखंड कर्मचारी आयोग की तरफ से जो वैकेंसी आई थी झारखंड सीजीएल की, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था एग्जामिनेशन फी को लेके, लेकिन एग्जामिनेशन फीस में बहुत ही राहत मिलने वाली है। मैं इसमें ये कहूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ऐसे थे कि 1000 रुपया फी नहीं पेमेंट करने वाले थे, तो वो सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। ये झारखंड सरकार की तरफ से जो पहल निकली है या इस वर्ष की, वो बहुत ही शानदार है। आप देख पा रहे होंगे आज 24/12 की ये एडवर्टीजमेंट है, आज नोटिस है ये, और ये झारखंड कर्मचारी आयोग तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। ओके, जो एडवर्टीजमेंट निकाला गया था उसकी विज्ञप्ति संख्या थी 5/2021 झारखंड सामान्य स्थान यानी कि झारखंड सचिवालय की। ओके, तो इसमें देखिए मैं पूरा अगर बात करूँ तो इसमें जो वैकेंसी की जो एग्जामिनेशन फी थी वो 1000 रुपया रखा गया था, लेकिन उसे घटा के अब मात्र 100 रुपया रखा गया है आरक्षित यानी कि जनरल के लिए, आर्थिक कमजोर यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है EBWS के लिए, और किसके लिए, और OBC 1 और OBC 2 के लिए, और बाकी जितना भी है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति इस सब के लिए है वो आपकी मात्र जो है वो 50 रुपये है। आप देख पा रहे होंगे मात्र में 50 रुपये है और इसके 100 रुपये हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो 1000 रुपया फी पेमेंट नहीं कर पाते, और उसके लिए बहुत ही एक अच्छी खबर लाई है झारखंड सरकार, यूँ कहूँ तो हेमंत सरकार की तरफ से, कि अब जो फी है जो एडवर्टीजमेंट की जो आपको फॉर्म फिलअप करने का जो फी है वो मात्र 1000 रुपया रहे, 1000 रुपये की जगह आप 100 रुपये रहेगा। लेकिन अब एक और चीज़, जो सब स्टूडेंट्स जो 2015 में या 2019 में जो भरे थे, ओके, जो 2015-2019 में 1000-1000 रुपये दे के भरे थे, उनका क्या होगा, उन्हें क्या पैसा जो 900 रुपये बचा वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए अभी तो ऐसा कुछ चर्चा नहीं किया गया है और इसके बारे में संशोधन अभी बहुत सारे चीज़ होने बाकी है, जैसे जैसे कुछ होगा मैं आप सबको इसका इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। और एक और चीज़, इसमें सीट भी इंक्रीजमेंट होगी, इसलिए आप अभी अगर इसमें दिखा रहा है 900 तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो भी वैकेंसी आएगी वो 1200+ सीटें होने वाली है। ओके, तो ओके, तो आप इस निश्चिंत रहिए, अभी वैकेंसी की जो है सीट वो बढ़ने वाली है। ओके, तो अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब हमारे चैनल पे एकदम धुआंधार तरीके से आपको वीडियो मिलेगी ताकि आप अपने तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। ओके, तो अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूँ यहाँ की, जो भी आपका फ़ी है वो मात्र 100 रुपया है, अब आपको 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, जिसको आपको पता है कि फॉर्म भरने का दिन जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो तब तक बहुत सारे अभी डेट है, अभी तब तक बहुत सारे संशोधन भी किए जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।